अब पढ़ाई शुरू। ये चैप्टर अभी नहीं यार, ये बहुत टफ है। अरे ये तो एंड में हो जाएगा, बहुत ही इजी है यार। ये फोन मुझे पढ़ने नहीं देगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक काम करता हूँ, कुछ खा ही लेता हूँ। हाँ 120 पेजेस है, 8 घंटे है, 4 मिनट पर पेज, 50 मार्क तो आ ही जाएंगे, पास तो हो जाऊंगा। 640, 645, 650. शिट 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 शिट, सिर्फ 2 घंटे बाकी है। हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर इंडियाज टफेस्ट एग्जाम लाइक IIT JEE नीट 10th क्लास बोर्ड 12th क्लास बोर्ड। ऐसे हजारों लाखों स्टूडेंट्स को मैं और मेरी टीम फ्री में गाइड और मेंटोर करती है। देखो, मैंने हजारों टॉपरों को देखा है और हजारों बच्चों को गाइड और मेंटोर करा है। उस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आज जो चीजें मैं बताऊंगा अगर आपने उनको फॉलो कर लिया 1 महीने तक, बस 1 महीने तक, तो जो तुम्हारा एग्जाम आने वाला है ना, बोर्ड के एग्जाम या कोई भी एग्जाम आने वाला है, वो एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। चाहे आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे किसी भी इंडिया के बेस्ट से बेस्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आज की जो टेक्निक्स है ना, वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है। ये सारी प्रॉब्लम आप सभी के साथ आती होंगी। कभी कभार आप अपने मन पे कंट्रोल नहीं होता, आपका मन करता है कि सो जाता हूं, तो आप जाकर सो जाते हो। आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है कि आप कंट्रोल कर पा रहे हो अपने मन के ऊपर, या आपका मन आपको कंट्रोल कर रहा है। 99% स्टूडेंट्स के ऊपर उनका मन हावी होता है और इस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। किसी भी स्टूडेंट से पूछना जिसका सिलेक्शन हुआ है बड़े से बड़े एग्जामिनेशन में, वो तुम्हें केवल एक चीज बताएगा, यार मैंने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया था। भैया पर कैसे करें, टेंशन मत लो, मैं हूं, आज मैं सारी टेक्निक समझा दूं। जो हमारा मन होता है ना, ये हमें 3 स्टेप्स में फंसाता है। कैसे, देखते हैं। पहला स्टेप नंबर 1, ये क्या करेगा, ये हमें सपने दिखाएगा। होता है ना रोज रात को, यार कल से ऐसा पढ़ूंगा कि जिंदगी में आज तक नहीं पढ़ा। 12-12, 14-14 घंटे, डेली 1 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हो, बट रोज रात को सपने दिखाता है ना मन। हाँ, तो मन का स्टेप नंबर 1 क्या है, सपने दिखाओ इनको। हमको मन ने सपने दिखाए, बड़े बड़े सपने कि ये उखाड़ लूंगा, वो कर लूंगा, ये कर लूंगा रात को, एंड कल अलार्म लगाया 4 बजे का। अब मन का स्टेप नंबर 2 देख, अब क्या हुआ स्टेप नंबर 2। अब जैसे ही सुबह अलार्म बजा 4 बजे और आपने देखा, तो मन मना नहीं करेगा आपको, नहीं, मन मना नहीं करेगा। मन बोलेगा यार 4 बजे है, 5 मिनट सो जा, 5 मिनट सो जा। 5 मिनट से क्या होता है, 5 मिनट से तो कुछ नहीं होता, सो जा 5 मिनट। तो आपको लगेगा कि यार हाँ यार, बात तो मन सही कर रहा है, 5 मिनट या 10 मिनट सो जाऊंगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो ये हुआ मन का स्टेप नंबर 2। अब वो जो 5-10 मिनट तुम सोए, तो नींद तुम्हारी 2-3 घंटे पे बीत गई। मान लो तुम्हें 4 बजे उठना था और तुम अब उठे हो 8 बजे। अब आता है मन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, वो होता है स्टेप नंबर 3। अब ये क्या करेगा, अब ये तुम्हारे साथ खेलेगा, तुम्हें रिग्रेट में डालेगा। अब तुमसे बोलेगा, अबे मूर्ख, तुझे 4 बजे उठना था, तू 8 बजे उठ रहा है, अब क्या फायदा होगा पढ़ के, 4 घंटे तो तूने खराब कर दिए। वो तुम्हें ये नहीं बताएगा कि अगर तू अभी से भी पढ़ना स्टार्ट करेगा 8 बजे से, तो भी पूरा दिन पढ़ा है तेरे पास। वो तुम्हें ये नहीं बताएगा, वो तुम्हें रिग्रेट में डालेगा और तुमसे बोलेगा कि अब तूने पूरा दिन खराब कर दिया है, तो आज पढ़ के क्या करेगा, कल से पढ़ना। और पूरे दिन तुम डिप्रेशन में रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे, एंग्जाइटी में रहोगे और पूरे दिन नहीं पढ़ोगे। और कल रात को फिर सपने दिखाएगा, ये फिर से स्टेप नंबर 1 पे आ जाएगा, फिर स्टेप 2, स्टेप 3। ये है मन की साइकिल और ये साइंटिफिकली प्रूवन साइकिल, मन आपको ऐसे रोकता है। इस साइकिल को हमें तोड़ना पड़ेगा यार, अगर हमें जीतना है ना, इस साइकिल को हमें पूरी तरीके से तोड़ना पड़ेगा, इस मन की साइकिल को। तो इस मन की साइकिल को तोड़ने के लिए भी मेरे पास 3 स्टेप है, 3 स्टेप का प्रोसेस है, अगर आपने फॉलो कर लिया मजा आ जाएगा। स्टेप नंबर 1 ध्यान से समझना, स्टेप नंबर 1 है बॉडी को स्ट्रॉन्ग करो। ये बॉडी से क्या रिलेशन है, बॉडी से रिलेशन, मेरा यह मतलब है कि अपनी बॉडी को फिजिकली फिट करो, क्योंकि जब तक तुम्हारी बॉडी फिजिकली फिट नहीं होगे, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, अपना अपना माइंड स्ट्रॉन्ग कर पाओगे ना, अपने आप पे कंट्रोल पाओगे, जब तक तुम अपनी बॉडी को फिजिकली फिट नहीं कर लेते। अगर इमेजिन करो 7 दिन में से 5 दिन तो तुम्हें बुखार रहता है, तुम बीमार रहते हो, क्या फायदा। फिजिकली फिट होने से मेरा ये मतलब नहीं है कि अपना वेट कम कर लो, डाइटिंग कर लो, नहीं, मेरा ये मतलब है कि अपनी बॉडी को डेली कुछ फिजिकल एक्टिविटीज दो जिससे वो थोड़ा सा एक्टिव रहे। कुछ फिजिकल एक्टिविटी हमें देनी पड़ेगी, जैसे कुछ भी हो सकता है। मैं केवल तुम्हारे दिन के 30 मिनट मांग रहा हूँ, कितने मांग रहा हूँ, मुझे बस अपने 30 मिनट्स दे दो डेली के, 30 मिनट्स कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, डांस कर लो घर पे, डांस कर लो, क्या दिक्कत, लोग हंसेंगे देखकर, क्या हुआ, कर लो।
उसके अलावा फुटबॉल खेलने चले जाओ, बास्केटबॉल खेलने जाओ, फुटबॉल खेलने चले, मतलब कोई भी गेम, क्रिकेट खेलने चल जाओ, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। बस 30 मिनट, तुम जिस दिन अपने आप को फिजिकली फिट मान लोगे ना, जिस दिन तुम फिजिकली फिट हो जाओगे, आधी प्रॉब्लम वहां पर कट आउट हो जाएगी। वो जो लेजीनेस तुम फेस करते हो डेली लाइफ में, वो खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप है भैया, फिजिकली फिट हमें बनना पड़ेगा। फिजिकली फिट से मेरा ये मतलब नहीं है वेट कम कर लो, मेरा इससे ये मतलब है डेली कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइज करो ताकि आपकी बॉडी एक्टिव रहे। तो देखो यार, जैसा तुम सभी को पता ही है, अब विंटर सीजन चल रहा है, सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो इस समय पर बहुत सारे फेस्टिवल्स आएंगे, क्रिसमस, न्यू ईयर, और बहुत सारे स्टूडेंट डिस्ट्रैक्टेड हो जाएंगे। तो तुम्हें गलती नहीं करनी, तुम्हें इस समय का यूटिलाइज करना है। बहुत बच्चे हैं जो कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे इस समय पर, और आलस के अंदर सोएंगे या फिर पढ़ाई नहीं करेंगे। तुम्हें इस समय पर अपना जो टाइम है ये यूटिलाइज करना है। यूटिलाइज कैसे करना है, वो जो आपके वीक टॉपिक्स है ना उनको स्ट्रांग बनाना है। और वो स्ट्रांग जब तुम बनाने लगोगे ना वीक टॉपिक्स को, तो तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, बहुत सारी समस्या आएंगी। तो उन समस्या को हल करने के लिए मैं तुम्हें एक ऐप रिकमेंड कर देता हूँ, फिलो ऐप। देखो वो ऐप मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही तुम्हें कोई समस्या आती है, इमेजिन करो तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, तो तुम डायरेक्टली फोटो क्लिक करोगे, फिलो ऐप पे डाल दोगे, 60 सेकंड्स के अंदर तुम्हारा एक पर्सनल ट्यूटर कनेक्ट हो जाएगा तुमसे। सर इमेजिन करो 60 सेकंड्स के अंदर आपका पर्सनल ट्यूटर आपसे कनेक्ट हो जाएगा, और आपके जितने भी जो वीक टॉपिक्स है ना इनको स्ट्रांग करो, जितनी भी जो प्रॉब्लम्स है ना इनके सोल्यूशन ढूंढो, कैसे, फिलो ऐप के ऊपर। तो 60 सेकंड्स के अंदर ट्यूटर के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो, बहुत सिंपल प्रोसीजर है, मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर सकते हो, एंड पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ इस ऐप को। उसके अलावा तुम्हें क्या करना है, जब इस ऐप को यूज कर लो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, हमारे स्टेप नंबर 2 क्या था, इमोशनल ब्रेन। अब ध्यान से समझ लो, देखो आपके पास एक इमोशनल ब्रेन है, इसका क्या मतलब है, देखो हम सब ह्यूमंस है ना, हमारे पास एक इमोशन होते हैं, अगर हमारे पास इमोशंस नहीं होते तो हम क्या होते, हम कुछ नहीं होते, इमोशंस है इस वजह से हम ह्यूमन है, राइट। तो हमारा ना एक इमोशनल ब्रेन है जिसने हमें फंसा रखा है, कैसे, एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपके इमोशन है क्या कि यार मैं जब जाता हूँ बाहर, जब मैं बाहर जाता हूँ अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता हूँ, कोचिंग छोड़कर, स्कूल छोड़कर घूमने जाता हूँ, तो मुझे मजा आता है, मेरे इमोशंस में हैप्पीनेस आती है, आती है नहीं आती। मैं भैया मेरी लैला से बात करता हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, मिलती है नहीं मिलती, ये सब क्या है, ये सब है आपके इमोशनल ब्रेन का खेल, उसने आपको जकड़ा हुआ है इमोशंस के अंदर। और जिस दिन तुम इस इमोशन से बाहर आओगे तभी जाकर तुम पढ़ पाओगे। एक एग्जांपल एक और से समझाता हूँ। देखो बचपन में क्या होता था, हमें कहानियां सुनाई जाती थी कि बेटा टाइम पे सो जा वरना वो आएगा, बाबा जी आएंगे जो कि तुझे उठाकर ले जाएंगे। आए कभी बाबा जी? नहीं है। पर स्टोरी सुनाई जाती थी, क्यों? क्योंकि हमारा इमोशनल ब्रेन जो है ना वो बचपन से एक्टिव होता है और हमें वो समझाता रहता है बार बार कि अच्छा अच्छा अच्छा, हम स्टोरी के फॉर्मेट में चीजों को बहुत जल्दी समझते हैं। तो सेम चीज तुम्हें करनी है। भैया कुछ समझ ही नहीं आया, क्या बोल रहे हो, समझाता हूँ। देख तुझे क्या करना है, बहुत सिंपल स्टेप है, तुझे अपने दिमाग को, अपने मन को एक स्टोरी सुना। कैसी स्टोरी? एक वो स्टोरी जो कि तुम्हारी बाकी स्टोरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। क्या कह रहे हो भैया? आज तेरे इमोशनल ब्रेन के पास क्या इंपॉर्टेंट है? शायद किसी से बात करना, बाहर खेलने जाना। गेम खेलने में बहुत मजा आता है भैया, क्यों? क्योंकि तुम्हारे इमोशंस कनेक्ट। अगर तुमने अपनी लाइफ में एक ऐसी स्टोरी ला दी जो कि इन सारी स्टोरीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो तुम्हारा इमोशनल ब्रेन कहां फोकस करेगा, उस स्टोरी पे फोकस करेगा। अभी भी समझ नहीं आया, एक एग्जांपल से समझा। देख इमेजिन कर एक स्टूडेंट है जो कि 12th बोर्ड का एग्जाम देने वाला है इस साल, ठीक है, उसका एग्जाम्पल ले रहा हूं। अब वो खुद को ये स्टोरी सुना सकता है कि देख अगर तूने पढ़ा आखिरी के 2-3 महीने में लग कर पड़ा और तेरी अच्छी परसेंटेज आती है 98-99, तो शायद तू अपनी स्टेट का टॉपर बन जाए। अगर तू स्टेट का टॉपर बना, अपने स्कूल का टॉपर बना, तो हर जगह तेरे पोस्टर्स होंगे, न्यूज़पेपर में तेरे नाम आएंगे। तो जो रिश्तेदार थे, वो जो पड़ोसी थे, जो तुमको देखकर कहते थे कि ये तो नलायक है, उन सभी का मुंह बंद हो जाएगा और सालों साल तक तेरे पोस्टर लगे रहेंगे वहां तक। ये क्या हुआ? ये एक ऐसी स्टोरी है जिसने तुम्हारे इमोशनल ब्रेन को स्ट्रॉन्ग कर दिया। इमोशनल ब्रेन समझेगा यार, हाँ यार ये जो स्टोरी है ना ये बाकी सारी स्टोरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो खुद डिसीजन ले लेगा कि भाई 4 दिन उससे बात मत कर, बट इसमें काम कर, क्योंकि अगर तू आज पढ़ेगा तो कल तेरी ये वाली स्टोरी सच हो जाएगी, कल तेरे पोस्टर्स लग रहे होंगे, कल तेरे रिश्तेदार तेरे घर पे आएंगे मिठाई का डब्बा लेकर, और जो स्टेट टॉपर बनता है उसको तो प्रेसिडेंट भी बुलाता है, तो सारी चीजें तेरे साथ हो रही होंगी। तो ये स्टोरी तुम सभी को अपने आप को सुनानी है आज से। एक ऐसी स्टोरी बनाओ खुद की जो कि तुम बनना चाहते हो, एक ऐसी स्टोरी जो कि बाकी सारी स्टोरी से इंपॉर्टेंट हो। जिस दिन तुमने एक ऐसी स्टोरी खुद को सुना दी, अपने इमोशनल ब्रेन को सुना दिया,
तो तुम्हारा इमोशनल ब्रेन केवल और केवल उस स्टोरी के पीछे भागेगा, बाकी सारी चीजें उसके लिए गायब हो जाएंगी। तो ये था हमारा स्टेप नंबर टू। अब आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर थ्री पर कि भैया स्टेप नंबर थ्री क्या है। अब देखो स्टेप नंबर थ्री क्या है कि आपको अपने मन को कभी मना नहीं करना। क्या कह रहे हो भैया? देख बहुत बार ऐसा होगा, इमेजिन कर तू पढ़ रहा है और तुझे ठंड लगेगी तो तेरा मन कहेगा तुझसे कि ओए ठंड हो रही है बाहर बहुत, अंदर चला जा, कम्बल के अंदर चला जा। और तुम्हें पता है कि जैसे ही तुम कम्बल के अंदर जाओगे तुम्हें नींद आने लगेगी, तुम्हें पता है। तो तुम्हें अपने मन को मना नहीं करना है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मना मत करो। क्योंकि जब तुम मना करोगे ना तो तुम्हारा मन जो होता है वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो तुम्हें चार उपाय देगा कि देख अगर तू कम्बल के अंदर नहीं गया तुझे ठंड लग जाएगी तो तू बीमार हो जाएगा, तू पढ़ नहीं पाएगा, तुम्हारा मन तुम्हारे साथ गेम खेलेगा। तो तुम्हें अपने मन को अपॉर्चुनिटी नहीं देनी। तुम्हें क्या करना, तुम्हें आराम से बोलना है उससे कि मना नहीं कर रहा हूँ तेरे को, बट अभी नहीं, पाँच मिनट बाद जाऊँगा कम्बल। जब भी आपका मन बोले कि अभी सो जाते हैं, 5 मिनट। जब भी आपका मन बोले फ़ोन चला लेते हैं, 5 मिनट। जब भी आपका मन बोले उसको टेक्स्ट कर देते हैं, 5 मिनट और, 5 मिनट और पढ़ लेता हूँ उसके बाद देखते हैं। या फिर आपका मन बोल रहा है कि चल दोस्तों के साथ बाहर चलते हैं, मन को बोलना आज नहीं यार कल चलूंगा, कल मना मत करो, आज नहीं कल चलूंगा। अगर आप ये ट्रिक समझ गए ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप नंबर थ्री है कि खुद को चैलेंजेस दो और अपने मन को कभी मना मत करो। उसको मना मत करो, उसको कल पे टाल, कल करेंगे ना यार। मन बोलेगा गेम खेलते हैं, कल खेलेंगे ना यार, 5 मिनट बाद खेलेंगे ना, ऐसे। तो ये था हमारा स्टेप नंबर थ्री। अब देखो इन तीनों स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। एंड एक चीज मैं बता देता हूँ यार, खुद को चैलेंजेस देने पड़ेंगे, ये चीज आसान नहीं है। स्टेप नंबर वन फिजिकली फिट रहना है, फिजिकली एक्सरसाइज करनी है। स्टेप नंबर टू क्या है, इमोशनल ब्रेन को एक स्टोरी सुनानी है। स्टेप नंबर थ्री खुद को चैलेंजेस देने हैं। अब देखो चैलेंजेस आएंगे, बड़े बड़े चैलेंजेस आएंगे। तुम्हारा मन तुमसे कहेगा कि यार तेरे तो घर की फाइनेंशियल कंडीशन खराब है यार, तेरे घर पे तो बहुत शोर हो रहा है बाद में पढ़ना। तुम्हें उस मन की बात नहीं सुननी है, तुम्हें बोलना है कोई बात नहीं पढ़ लेते हैं अभी यार, जितना पढ़ा जाता है उतना पढ़ लेते हैं। याद रखना यार चैलेंजेस आएंगे, तुम्हें फेस करना पड़ेगा। मैं मानता हूँ शायद आज तुम्हारे घर पे उतना पैसा नहीं है, मैं मानता हूँ शायद तुम्हारे घर वाले अच्छी कोचिंग में तुम्हें भेजना अफोर्ड नहीं कर सकते। अब डिपेंड तुम पे करता है, दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो ये सारे जो दुख दर्द है ना इनको रोते रहो कि मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है, या फिर उठो पढ़ाई करो और इन सारे दुख दर्द को खत्म करो खुद से, और खुद से पैसे कमाओ और खुद से मेहनत करके उस स्टेटस पे जाओ तुमने सोचा था। ये थी हमारी सारी टिप्स। अब देखो एक चैलेंज तुम सभी को मैं देने वाला हूँ, 1 महीने का पूरा चैलेंज है। उस चैलेंज का क्या नाम है ध्यान से समझना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आप सब कमेंट करके जाओगे कि भैया क्या मैं ये चैलेंज लूंगा या नहीं लूंगा, अगर लोगे तो कमेंट करना कि यस मैं ये चैलेंज फॉलो करने वाला हूँ। चैलेंज क्या है, बहुत सिंपल चैलेंज है, ध्यान से समझना। देखो चैलेंज का नाम है डोपामाइन डिटॉक्स। भैया ये क्या है साइंटिफिक टर्म है, हाँ साइंटिफिक टर्म है, बहुत आसान से समझाता हूँ। डोपामाइन एक ऐसा केमिकल है जो कि रिलीज होता है जब आपके मन को खुशी मिलती है, जब आप गेम खेल रहे होते हो, या फिर जब आपको आइसक्रीम मीठा खाने को मिलता है, या फिर जब आप बाहर खेलने जाते हो तो डोपामाइन रिलीज होता है जिससे कि आपको मजा आता है। और अब हमने ना हमारे माइंड को ऐसा बना लिया है ना कि उसको डोपामाइन की बहुत जरूरत पड़ती है। आपने देखा होगा बहुत बार आप जब फोन चला रहे होते हो तो अगर आपने 1 घंटे तक अपने फोन का इंस्टाग्राम चेक नहीं करा तो आपको अजीब सी घबराहट सी होने लग जाती है। वो क्यों है, क्योंकि आपका जो डोपामाइन लेवल है बॉडी का वो बहुत हाई है, साइंटिफिक टर्म है। तो हमें क्या करना है, उसको डिटॉक्स करना है। डिटॉक्स का अगर हिंदी में मतलब समझाऊं तो खत्म करना है। कैसे करेंगे, एक चैलेंज दे रहा हूं, 1 महीने तक चैलेंज फॉलो करना है। करना क्या है, आपके पास एक वीक होता है, एक पूरा वीक होता है ना, वीक स्टार्ट होता है मंडे से और खत्म होता है संडे पे, है ना। उस पूरे वीक में से 1 दिन चूज करो, मैं केवल आपका 1 दिन मांगा, मंडे, और उस दिन पर आपको डोपामाइन डिटॉक्स करना है। इसका क्या मतलब है, ये कोई थेरेपी है क्या? थेरेपी नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। आपको उस दिन में ना ही ज्यादा डिजिटल यूज करना है, मतलब फोन लैपटॉप गेमिंग सब भूल जाओ, केवल एक दिन, केवल एक दिन आपको अपने पेरेंट्स के साथ बैठ, आपको घर पे खाना खाना है, बाहर का कोई खाना नहीं खाना, मतलब वो सारी चीजें जो आप डेली करते हो उससे हटकर आपको करना है। मतलब सारी चीजें घर पे करोगे, ज्यादा बाहर मतलब अगर खेलने जाना है तो जाओ, पर डिजिटल डिवाइस का यूज नहीं लोगे आप, एक भी डिवाइस का, केवल पढ़ने के लिए यूज लोगे। घर पे बैठो, बातचीत करो घर वालों से, पढ़ाई करो, खाना घर का खाओ, खेलने जाओ, आज बस नो यूट्यूब नथिंग, 1 दिन मांग रहा हूं तुमसे बस। अगर तुम दे सकते हो कमेंट में बताना, आपको हर वीक में केवल 1 दिन देना है डोपामाइन डिटॉक्स के लिए। कितने महीने तक करना है भैया, केवल 1 मंथ के लिए। 1 मंथ में, 1 मंथ में अप्रोक्स 4 या फिर 5 वीक पड़ते हैं, है ना। तो आपको बस 4 या 5 बार ये करना है डोपामाइन डिटॉक्स, हर वीक में 1 बार।
तो कौन कौन इस चैलेंज को लेने वाला है कमेंट में बताना, लिख देना यस भैया आई एम रेडी, इतना लिख दिया, दिखा दो जोश अपना, यहाँ भैया हम करेंगे। और इंस्टा पे टैग मार दो सबको कि भैया यार करना है, सबको फॉलो करना है, ये एक रेवोल्यूशन होना चाहिए यार, एजुकेशन के प्रति रेवोल्यूशन। मैं देखता हूँ लोगों को इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाएंगे, रील पता नहीं क्या क्या, अरे पढ़ाई करो यार, रेवोल्यूशन लाना है तो पढ़ाई के प्रति लाओ, तब है मजा। इन वीडियो थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, बट ऑन दिस नोट शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, और अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो, मैं बस तुमसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट यार, अपने एक मित्र के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना है करिए, नहीं करना मत करो, मैं कभी नहीं बोलूंगा तुमसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बट मैं आपसे एक विनती करता हूँ, अपने एक मित्र के साथ शेयर कर दो यार, दिखा दो सबको यार, भाई अब भी समय है, पढ़ लो यार, टाइम है, अपना वो जो दिमाग का खेल है ना उस खेल को समझो, उस खेल को खत्म करो, कैसे खत्म करना है। मेरा नाम है प्रशांत, आपको नेक्स्ट किस टाइटल पे वीडियो चाहिए कमेंट में जरूर बताना, और चैलेंज कौन कौन ले रहा है वो भी कमेंट में जरूर बताना। ऑन दिस नोट शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, बाय बाय।